ओके गाइस, लेट मी स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. सो गाइस, दिस इज अगेन मी तानिया भाटिया. एंड गाइस, आई एम द वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी. एंड ऑल्सो आई एम द नंबर वन टॉप एजुकेटर ऑन एन अकेडमी फॉर NTA UGC नेट कैटेगरी. एंड ऑल्सो आई एम द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एट द रेट दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके, फटाफट से मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोगों को साउंड एंड स्लाइड्स वगैरह क्लियर है कि नहीं है शुरू करने से पहले, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू कर सकें. हेलो अरफिन, ठीक है ठीक है, क्लियर है ना? ओके. सो गाइस, आ रहा है जी आपका JRF रणनीति इकोनॉमिक्स का आज का पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड. हेलो दबास्मिता, इनमें से ऐसी कौन सी वाली चीज़ जो है जो आपका इंक्रीज इन डिमांड यहाँ पे नहीं करती. ओके, ये वाली चीज़ आपको बतानी है. एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर कॉमोडिटी. सी है आपका रिडक्शन इन द कॉमोडिटी प्राइस, और फोर्थ है जी आपका रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. राइट, गुड इवनिंग मायाता जी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका इंक्रीज इन डिमांड नहीं करेगी. सोच समझ के जवाब देना, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है ये. ओके, तो प्लीज़ लिटिल बिट थिंक एंड देन गिव आंसर. मैंने नेगेटिव में मैंने आप लोगों से आंसर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड जो है यहाँ पे नहीं करेगी. क्या बात है. ओके, लेट मी सी. सी दे रहे हैं ज़्यादातर जो है. क्या है, देखिए आपको पता है देर आर टू टाइप्स. ओके, दो टाइप्स जो है हमारे यहाँ पे कौन कौन से आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. व्हाट आर दी टू टाइप्स? एक होता है जी आपका, द वेरी फर्स्ट वन इज दी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं हेयर यू वुड नोन एज दी. एक होता है आपका मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड का, ठीक है, वन इज योर मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड का. और दूसरा क्या होता है जी, दूसरा होता है आपका यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड का. ओके, तो मूवमेंट अलॉन्ग में आपके दो पॉइंट आ जाते हैं. एक तो होता है जी आपका एक्सपेंशन, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन. सेम ऐसे ही शिफ्ट इन डिमांड का में भी आपके दो पॉइंट आ जाते हैं. एक तो होता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा होता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड. तो यहाँ पे इसने बात पूछी थी कि इनमें से कौन से वाले फैक्टर में, हेलो जानवी, कौन से वाले फैक्टर में इंक्रीज इन डिमांड नहीं होगा. तो आपको याद होगा जब हम लोग रिडक्शन इन द कॉमोडिटी प्राइस जो है, जब हम लोग करते हैं अपनी ही कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो वहाँ पे कम हो रहा है, तो इन चारों में से कौन से वाला केस होता है, विच वन इज द केस इज दिस? एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर इंक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा? कौन सी वाली चीज़ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, विच वन वुड यू सी हियर जी? बता दीजिए फटाफट से, अब तक मैं ग्रुप में भी मैसेज वगैरह शेयर कर दूँ कि क्लास जो है आपकी शुरू हो चुकी है. ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया. देखिए इस वाले केस में क्या बात है, कमेंट नहीं आ रहा किसी का. नहीं समझ आया? देखो जब खुद ही के कॉमोडिटी के प्राइस में क्या हो रहा है, हेलो अर्फिन, खुद के कॉमोडिटी के प्राइस में यहाँ पे आपको कैसा देखने के लिए मिल रहा है, आपको रिडक्शन जो है बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना. तो रिडक्शन वाले में कौन सी चीज़ होती है? रिडक्शन वाले में आपको याद होगा हेयर वी हैव दी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड वाली चीज़ जो आपकी यहाँ पे होगी. दैट्स वाई सी वुड बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, कौन से वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? सी वाला जो आपका यहाँ पे राइट आंसर आपको यहाँ पे नजर आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, दिस इज द नेगेटिवली स्लोप, दूसरा पॉजिटिवली स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप, या फिर एनी ऑफ दी? कौन सी वाली चीज़ जो आप यहाँ पे देखेंगे? हाँ,
यहाँ पे आना कमेंट शुरू हुआ है, पहले आ ही नहीं रहे थे, स्ट्रक से हो गए थे जी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, आई एम वेटिंग फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन टू बी आंसर। बताइए इसके बारे में। डिमांड का फेस्ड बाय अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का कैसा होता है, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखिए आपको पता है जब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टली आपको देखने के लिए मिलता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये कैसी होती है जी, दीज आर प्राइस टेकर। तो इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने जो भी प्राइस आ रहा है बस उसको इन्होंने क्या कर लेना है, उसको यहाँ पे इन्होंने टेक जो है इन्होंने कर लेना होता है, प्राइस टेकर होते हैं। दैट्स वाई जो इनका डिमांड कर्व है कैसा बनता है जी, ये डिमांड कर्व आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हॉरिजॉन्टल जो है आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा। ओके, सी वुड बी द राइट आंसर। इंडस्ट्री का आपको पता है इंडस्ट्री का कैसे होता है, इंडस्ट्री का तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है और जो है आपका पॉजिटिवली स्लोप क्या होता है आपका सप्लाई कर्व होता है। ओके, तो उसी को ये क्या करते हैं, उसी को बस ये टेक करते हैं और कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। गवर्नमेंट बजट, नॉन राइवलरी इन कंजम्पशन, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक गुड है आपका यहाँ पे एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलाइजेशन फंक्शन, और कमर्शियल बैंक यहाँ पे दे रखा है जी आपको यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन। लगा लीजिए इसको करेक्ट ऑर्डर में, जो है बेसिकली करेक्ट मैचिंग में जो है आपको उसको यहाँ पे क्या करना है, लगाना है। हेलो मैम, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आपकी आवाज़ आ रही है, बस क्वेश्चन नहीं दिख रहा। तो आप ऐसा कीजिए, आपके वीडियो पे ना ऐसा तीन डॉट बना होगा, ठीक है, तो इन तीन डॉट पे जाके आप वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे क्वालिटी आती है तो सबसे हाईएस्ट पी वाली जो आपकी क्वालिटी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। हेलो अर्पना कुमारी, हेलो अजीजुर। ओके, सबसे हाईएस्ट पी वाली जो क्वालिटी है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, उसको सिलेक्ट कर लोगे तो आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, आई एम वेटिंग। अच्छा, ए बोल रहे हैं, डी भी बोल रहे हैं, सोच लो भाई क्या होगा क्या नहीं। डी बोल रहे हैं ज़्यादातर जो हैं। देखिए गवर्नमेंट बजट आपका किस चीज़ से रिलेट करता है, गवर्नमेंट बजट आपका रिलेट करता है एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलाइजेशन फंक्शन से आपका यहाँ पे ये क्या करेगा, रिलेट जो है आपका यहाँ पे ये करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक आपका क्या लागू करता है, सेंट्रल बैंक आपका मॉनेटरी पॉलिसी को जो है क्या है लागू करता है। देन वी हैव द पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स कैसे होते हैं जी, पब्लिक गुड्स आपके नॉन राइवलरी होते हैं कंजम्पशन के अंदर, और कमर्शियल बैंक जो है क्या करता है, कमर्शियल बैंक का काम है जी क्रेडिट क्रिएशन करना। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे इसको लगाएंगे एंड यू वुड फाइंड आउट डी वुड बी द राइट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। क्लियर है, आसान मैचिंग थी, ठीक है। और जी, सो हेयर करेक्ट आंसर वुड बी डी जो आपका यहाँ पे हो जाएगा। हेलो कांशा वर्मा, लो भाई इस क्वेश्चन को करो। अ मल्टी वेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस इज वन ओनली वन एक्स वेरिएबल टू और मोर एक्स वेरिएबल नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल डू नॉट मैटर डिपिक्स द क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स वेरिएबल जो है आपको यहाँ पे ये वाली चीज देखने के लिए मिलेगी नजर आएगी। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस जो है आपका किस चीज के साथ यहाँ पे डील करेगा, only one x variable, two or more x variable, number of x variables do not matter, and depicts the quadratic relationship between y and x variable, okay? Yes, here we have, क्या बात है, very good,
देखिए मल्टी वेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस, जिस तरीके से आपको नाम से ही पता लग रहा है, जब आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कैसे होते हैं, लेट मी चेंज द इंक कलर अगर आपको उससे सही नहीं दिख रहा तो, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाला है इसके ऊपर, और रेड ही थोड़ा सा डार्क है, हाँ। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, हेलो गेलोट, देखिए दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। जब मैं आपसे बोलती हूँ ना लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वन एक्स वन, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या है, एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है आपको वहाँ पे उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें मल्टी वेरिएट में क्या होता है, मल्टी वेरिएट में अल्फ़ा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, ये वाली चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब दो या दो से ज़्यादा जो आपके एक्स वेरिएबल्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग मल्टी वेरिएट रिग्रेशन के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई शिफ्ट्स एल एम कर्व टू द राइट, आई एस कर्व टू द लेफ्ट, या फिर एल एम कर्व टू द लेफ्ट, या फिर आई एस कर्व टू द राइट। जूम कर दूं, लो भाई जूम भी कर देते हैं, और बताइए। इंक्रीज इन मनी सप्लाई जो है किसको शिफ्ट करेगा, क्या बात है, वेरी नाइस, बड़ी जल्दी आंसर आ गया इसका। देखिए आपको पता है एल एम कर्व हमारा दैट वुड बी रिलेटेड विद द, किस चीज़ के रिलेट के साथ रिलेट करता है जी, मनी मार्केट के साथ ही आपका रिलेट करता है। और जैसे ही आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई आपका इंक्रीज हो रहा है, तो एल एम कर्व को कहाँ लेकर जाएगा जी, एल एम कर्व को राइटवर्ड जो है लेकर जाएगा। ओके, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ, इसको आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जी आप इसको, यू कैन से दिस थिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ओ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो आप इसको बोल सकते हैं, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से जो आपका एल एम कर्व है वो राइटवर्ड आपका यहाँ पे क्या कर जाएगा, मूव जो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा भाई, तो क्वेश्चन ही दिखेगा आपको। लो जी मैचिंग है ये काफ़ी अच्छी, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ डॉन पेटिंगटन, रियल बैलेंस इफेक्ट रॉबर्ट सोलो, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल आर एफ हैरड, नाइफ एज इंस्टेबिलिटी नैरो। मनी डिमांड इंक्रीज होगी तो जो आपका एल एम कर्व है वो लेफ्टवर्ड मूव करेगा, ओके, देन इट विल मूव लेफ्टवर्ड। हाँ भाई इसको करो जरा, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ जो है आपका क्या है, डॉन पेटिंगटन, रियल बैलेंस इफेक्ट रॉबर्ट सोलो, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल जो है आर एफ हैरड, और नाइफ एज इंस्टेबिलिटी आपकी जो है किस चीज़ में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, नेहरू जो है यहाँ पे आपको दे रखा है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बी बोल रहे हैं जी इसका। देखिए पहले सबसे पहली चीज़ है आपका इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ दैट वुड बी रिलेटेड विद दी नेहरू, नेहरू आपका क्या है, नेहरू को बोलते हैं आप लोग नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आपका किससे रिलेट करता है, जो कि आपका फिलिप्स कर्व से रिलेट करता है, ठीक है। देन वी हैव रियल बैलेंस इफेक्ट, रियल बैलेंस इफेक्ट किससे रिलेट करेगा, डॉन पेटिंगटन से रिलेट करेगा, ओके। उसके बाद बी को लॉक किया जाए, अच्छा न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल कौन सा है भाई, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल सोलो मॉडल होता है, और नाइफ एज इंस्टेबिलिटी आपकी आर एफ हैरड में देखने के लिए मिलेगी, सो बी वुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, मैं आपको बता देती हूँ क्या पूछ रहा है। हियर इट इज टॉकिंग अबाउट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स गिवन टू प्लस एक्स जो है जब टू और फोर के बीच में रहेगा, देन वी हैव एक्स जो है आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एक्स वुड बी ग्रेटर देन फाइव, ठीक है ग्रेटर देन वाला साइन है, तो यहाँ पे किस तरीके से आप निकालेंगे,
0.71, 0.8, 0.9 एक्स भी दे रखा है और आपको यहाँ पे एफ एक्स भी, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी जो है यहाँ पे इधर गिवन है, इन्होंने दे रखी है आपको। दे दीजिए जी फटाफट से आंसर इसका। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। बी दे रहे हैं जी ज़्यादातर यहाँ पर, बी ही होगा क्योंकि आपको पता है हमेशा जब हम लोग क्या करते हैं, एक आपका फॉर्मूला होता है ना, समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू वन के जो है, हमेशा आपको ये वाली चीज़ आपको इक्वल टू नज़र आती है। तो इसने लगभग मुझसे सारी चीज़ें, मैम नोटिफिकेशन नहीं आया क्लास का आज, ये तो यूट्यूब वाली क्लास है ना, इसका मैं लिंक शेयर करती हूँ ग्रुप के ऊपर, ओके। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप उसको करेंगे, समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स इज इक्वल टू का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वाली चीज़ आपको वन के इक्वल जो आपको